understand this in a different perspective. By the way, these ideas are shared by एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का आर्टिकल आया था. आर्टिकल नहीं, बड़ा डिटेल में थीसिस है मिस्टर माइकल हर्बर का. और आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मे बी यू कैन डाउनलोड इट एंड लिसन टू फ्यू ऑफ द स्पीचेस ऑफ मिस्टर माइकल ऑन यूट्यूब ऑल्सो. अच्छा, ये एक बाद में करेंगे अगर अपने टाइम तो. इससे लोगों को जूम से थोड़ा परेशानी हो गया था तो मैंने जरा जूम के ऊपर रिसर्च किया था. तो आई नॉट डिस्कस दिस टुडे, कभी बाद में बातचीत हुआ तो करेंगे इसके ऊपर. सो व्हाट आर द फाइव एरियाज ऑफ कंपटीशन? सो जनरली वी थिंक कि अपना कॉम्पिटिटर वही है जो हमारे जैसा दूसरा धंधा कर रहा है. तो मैं अगर सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो मुझे लगता है कि दूसरा सॉफ्टवेयर बनाने वाला मेरा कॉम्पिटिटर है, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट? और उसको भी अगर मैं कॉम्पिटिटर मानता हूं तो मैंने किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए. एक जो मुझे लगता है वो ये प्रॉब्लम है कि जो हमारा ये स्टाइल है ना कि हम बेस्ट बनना चाहते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको उसमें से बाहर निकलना चाहिए. सो वी डोंट बी द बेस्ट, इंस्टेड वी ट्राई टू बी डिफरेंट और स्पेशलाइजेशन करते हैं. अच्छा, मैं और एक बात बताऊं, आज जितनी बात मैं बोलने वाला हूं ना ये सब बातें आपको मालूम होगी, ठीक है? लेकिन ये कुछ उसके जैसा है कि हम सबको मालूम है 5 बजे उठना चाहिए, सबको मालूम है कि कसरत करना चाहिए, लेकिन वो छूट जाता है. फिर कभी कोई बोलता ना तो वापस याद आ जाता है और फिर वापस हम लोग शायद शुरू कर लेते हैं. तो जस्ट कंसिडर मी स्पीकिंग एज ए रिविजन टू ऑल दोज थिंग्स दैट यू नो. हम बात कर रहे थे कि बेस्ट होने की जगह पे डिफरेंट बनने की कोशिश करते हैं, बिकॉज बींग बेस्ट इज ए जीरो सम गेम. मुझे जीतने के लिए मुझे आपको हराना पड़ेगा और आपको जीतना है तो आपने मुझे हराना पड़ेगा. बट वेन वी ट्राई टू बी डिफरेंट तो हम दोनों जीत सकते हैं. तो देन देयर इज नो कंपटीशन, देन वी कैन हैव कोलैबोरेशन. तो ये जो डिफरेंशिएट करने वाला बात है ना कि मैं स्पेशलाइज किस चीज में करूं, इससे बड़ा फायदा होता है. और मुझे लगता है कि मी उद्योजक जैसे ग्रुप है या फिर मैं और तिमिर भाई एक एसेट नाम के ग्रुप में मेंबर है जहाँ पे सारे आईटी वाले लोग हैं और हम 200 लोग आपस में कोलैबोरेशन करते हैं, ठीक है? सो दैट इज आल्सो बिकॉज वी आर ऑल स्पेशलाइज्ड इन आवर ओन एरिया एंड वी अंडरस्टैंड दैट स्पेशलाइजेशन. और ये करने के लिए हमें ना अपने रिसोर्सेस थोड़े अच्छी तरह से यूज करने पड़ते हैं. हाउ डू वी स्पेशलाइज, स्पेशलाइज वाला चीज समझने के लिए. अच्छा, जनरली ये जो आज का टॉपिक है ना ये 90 मिनट में कवर किया जाता है, आज मैं 18-19 मिनट में कवर करने की कोशिश करूंगा. तो थोड़ा सा आई विल स्किप ओवर द थिंग्स. सो अच्छी तरह से रिसोर्स को यूज करने की बात है तो उसमें अपनी टीम आएगी, तो टीम का स्किल सेट आएगा. एंड व्हेन आई से टीम, आई आल्सो इंक्लूड द ओनर्स, द माइसेल्फ या मैनेजर्स या अगर आप पार्टनर्स है तो वो लोग, तो इनको इंक्लूड करके हम टीम पकड़ रहे हैं. और इनका एफिशिएंटली काम करना बहुत जरूरी है. हम देखते हैं कि बहुत बार हमारे तरीके बहुत पुराने होते हैं, हम टूल्स यूज करते हैं पुराने होते हैं, तो वहां प्रॉब्लम. दूसरा, हमारा कंपटीशन का जो असर है ना, मतलब हमारे कॉम्पिटिटिवनेस पे जो असर करता है वो है सप्लायर पावर. अब बहुत सी इंडस्ट्रीज में कैसे होता है कि बड़े बड़े ब्रांड के आप डीलर होते हो, ठीक है? जैसे आईटी में भी ऐसा है कि व्हेन यू डील इन आईटी हार्डवेयर और यू आर जनरली ए सप्लायर और ए डीलर ऑफ ए वेरी बिग ब्रांड. तो ये बड़े ब्रांड वाला जहां हम लोग काम करते हैं ना, तो वहां सप्लायर डोमिनेट करता है. यू कांट कंट्रोल, दे विल ओनली कंट्रोल प्राइसेस, दे विल ओनली कंट्रोल मार्केट, वो बोलेंगे वैसा ही चलता है. हाँ, आप यहाँ वहां थोड़ा बहुत हाथ पैर मार लेते हैं लेकिन वो बहुत कम है. आपको जैसा वो बोलेगा ना वही करना पड़ता है, उसके सिवाय ज्यादा छुटकारा नहीं है. तो इसमें से बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है, ये सप्लायर पावर का जो प्रॉब्लम है ना उससे? हाउ डू यू बिकम कॉम्पिटिटिव विथ योर सप्लायर? एक आइडिया ये है कि अगेन फोकस ऑन योर टीम स्किल एंड बिल्ड अ ब्रांड. बिल्ड अ ब्रांड ऑफ योर सर्विस, योर कल्चर, योर स्टाइल ऑफ वर्किंग. मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समझो कंप्यूटर तो हर कोई बेचते हैं. तो ये जो मैं एसेट ग्रुप का बात कर रहा था, वहां हमारे एक मित्र है चेतन शाह करके, वो आज की तारीख में भी जो जनरल एएमसी का भाव रहता है ना उससे 5 गुना ज्यादा लेते हैं और फिर भी ही है सो मेनी क्लाइंट्स की वो लोगों को ना बोलते हैं कि भी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अगले साल, ये साल मेरे पास पक्का में कर, क्योंकि उसके जो टीम का काम करने का तरीका है ना वो अपने आप में एक ब्रांड है. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग ब्रांड की बात करते हैं तो जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा, वो तो हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए. प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं है, आपका सर्विस, आपका काम करने का तरीका, ये भी अपने अपने ब्रांड है. दूसरा, सप्लायर के साथ कॉम्पिटिटिव होने का तरीका है कि यू टाई अप मोर विथ लोकल ब्रांड्स.
you tie up more with brands which are of your size or who will at least take care of you. So instead of selling products of MNCs, क्योंकि शायद वो जल्दी बिक जाता है अगर हम लोकल ब्रांड के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो उसका जो सोशल बेनिफिट है, जो स्वदेशी वगैरह होगा, वो तो और बात है, बराबर है, that's the larger picture. लेकिन छोटे में इतना तो फायदा होगा ही कि ये OEM, ये सप्लायर अपना थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेगा. है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई और प्रोडक्ट की वजह से मार्केट में अटैच हो जाए. एग्जाम्पल है कि अगर हमने छाछ बेचने का धंधा चालू किया तो हमें तो कंपटीशन जूस बेचने वाले से भी होगा, कोको कोला बेचने वाले से भी होगा, पानी बेचने वाले से भी होगा, क्योंकि जिस कारण से छाछ पी जाती है उन सबका कारण तो उन सबसे भी होता है. ठीक है, तो ये भी चीज का अपने को ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उसके सब्स्टिट्यूशन होने के कितने चांसेस है, और ज्यादा चांसेस रहे तो देन वी आर इन ए वेरी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव मार्केट. मतलब छाछ बेच रहे हैं तो अपना कंपटीशन दूसरे छाछ बेचने वाले से ही नहीं है, अपना कंपटीशन बहुत और लोगों से है. ये पर्सपेक्टिव समझना चाहिए. एक एग्जांपल ये है कि कैमरा वाले और म्यूजिक प्लेयर्स बनाने वाले को मोबाइल ने मार डाला और वो लोग सोच रहे थे कि दूसरा कैमरा वाला उनका कॉम्पिटिटर है, दूसरा म्यूजिक प्लेयर वाला उनका कॉम्पिटिटर है. तो ये जो अलग जगह से अपने पर अटैक होता ना, ये सोच के और समझ के चलना चाहिए. अच्छा, अगर आईटी की बात करते हैं, एंड बिकॉज आई जनरली स्पीक इन आईटी फोरम्स, तो मैंने एग्जांपल ये लिया था, बट दिस विल बी ट्रू फॉर एवरीथिंग एल्स. आपने देखा होगा कि सर्वर और नेटवर्किंग, मतलब जो पहले हम ऑफिस में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे थे, उसकी जगह पे अभी हम वो सारा क्लाउड से करने लगे. तो ये चेंज हो गया ना, सर्वर से नेटवर्किंग डिवाइसेस आर नाउ सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लाउड सर्विस. ये चेंज हो रहा है, धंधा चेंज हो रहा है. दूसरा एक बात है, ये आप सबने भी नोटिस किया होगा कि जो काम करने के लिए पहले आप लैपटॉप या पीसी ही ढूंढते थे, अभी वो बहुत सारे काम मोबाइल पे होते हैं. हम में से मैक्सिमम लोग ईमेल्स तो अपने मोबाइल पे ही निपटा डालते हैं, उसके लिए हम लोग डेस्कटॉप पे जाते ही नहीं है. ठीक है, तो बहुत कुछ ऐसा है जो आप सीधे मोबाइल से कर डालते हो. तो ये भी एक फर्क पड़ा कि बहुत बड़ी मात्रा में ये चेंज हो गया. इसका एक आंसर या सॉल्यूशन ये है कि वी शुड ऑलवेज लुक फॉर द नेक्स्ट कर्व, कि अगला टर्न कहां से आने वाला है. जरूरी नहीं है कि हम जिस लाइन में है ना उसी लाइन का कोई कॉम्पिटिटर हमें तकलीफ दे, कहीं और से भी कॉम्पिटिशन आ सकता है. चौथा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो समझने लायक है, वो है द बायर पावर, कि हमारा जो बायर है ना वो कितना पावरफुल है. अब कभी कभी क्या होता है कि हम जिसको बेच रहे हैं, से हमने रेलवे के लिए पहिए बनाने का चालू किया, तो ऑब्वियसली इंडियन रेलवे एक ही क्लाइंट है अपने पास इंडिया में, तो एटलीस्ट सो देन दैट कस्टमर हैज लाइक मोनोपोलिस्टिक अथॉरिटी ओवर द मार्केट. वो जैसा बोलेगा वैसा ही करना पड़ेगा. आमतौर पे हम लोग सब जिस मार्केट में ऑपरेट करते हैं ना, जनरली प्रोडक्ट, सिवाय कि आपका कोई एक्सेप्शनल प्रोडक्ट हो तो अलग बात है, तो वी आर नॉट कि हमारा बायर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है. हम लोग गलतियां करते हैं, उसकी वजह से वो हो जाते हैं. एक ये दिक्कत होता है, अभी ये जो दिक्कत मैं बोलने वाला हूं ये इस ग्रुप में शायद नहीं होगा, राइट, बिकॉज यू ऑल वर्क इन अ वेरी डिफरेंट वे. एक दिक्कत ये होता है द वे वी डू बिजनेस एंड हाउ डू वी डू बिजनेस, कि हमारे पास इंक्वायरी आता है, अपने आप आता है, एंड देन वी शो द सोल्यूशन और एक्सप्लेन द सोल्यूशन टू कस्टमर और फिर वो सेल हो जाता है. अब ये जो मॉडल है ना उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सेल्स इंजन अपना खड़ा नहीं कर रहे. हम ऐसा सोच रहे हैं, अच्छा बहुत से लोग ये भ्रम में रहते हैं कि हमको मार्केटिंग का जरूरत नहीं है, हमारा तो धंधा ऐसे ही चलता है. ये करने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आप है ना फिर वो जो आता है ना अपने आप उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, एंड बिकॉज यू डोंट हैव योर ओन लीड जनरेशन इंजिन, यू आर सो डिपेंडेंट ऑन वॉट एवर इट कम्स, कि वही भगवान हो जाता है, फिर वो जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ता. ये एक मुद्दा सोचने जैसा है. आई थिंक इट इज वेरी मच इम्परेटिव एंड वेरी मच एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव ए प्रॉपर लीड जनरेशन इंजिन, कि इंक्वायरी का एक सतत फ्लो आता रहे और वो व्यवस्थित रेगुलर तरीके से आए. ये बहुत जरूरी है. मी उद्योजक का फोरम आपके लिए एक लीड जनरेशन का इंजिन या उसका सोर्स हो सकता है, वैसे और भी होने चाहिए.
और फिर वो लीड्स को आप प्रॉपरली मैनेज करने का तरीका होना चाहिए। फिर आप चाहे डायरी में लिखो, मोबाइल में लिखो, एक्सेल में लिखो, सीआरएम यूज करो या कुछ भी करो, लेकिन उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। लीड जनरेशन प्रॉपर हो और उसका मैनेजमेंट प्रॉपर हो तो आपको ना एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आता है, और उसी कॉन्फिडेंस से आप क्वालिफिकेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। जब वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो आप क्वालिफिकेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते, फिर तो आपको जो आएगा उसको हाँ बोलना पड़ता है। तो ये क्वालिफिकेशन और नेगोशिएशन फेल होने का कारण ये रहता है कि हमारे पास इंक्वायरीज नहीं है, तो इसका पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, या एक तरह से ये होता है, एंड अगेन दिस अप्लाइज नॉट ओनली टू आईटी इंडस्ट्री बट टू ऑल इंडस्ट्रीज, कि हमको बहुत बार ना अपना कस्टमर को चैलेंज क्या है ना ये मालूम नहीं रहता है। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि हमको मालूम है लेकिन हमारे सेल्स वाले को नहीं मालूम। सो मेनी थिंग्स विच आर कवर्ड इन दिस प्रेजेंटेशन, परहैप्स आपको मालूम होगा सब, लेकिन क्या आपके यहाँ जो सेल्स करता है उसको मालूम है? नहीं मालूम है तो आपको उसको ट्रेन करना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल नो फीचर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट बट दे डोंट नो व्हाट चैलेंज एग्जैक्टली द कस्टमर इज फेसिंग। तो कस्टमर का दुखड़ा अगर हम व्यवस्थित समझते हैं तो ज्यादा अच्छी तरह से होगा। अच्छा, दुखड़ा समझने के लिए उसको बहुत सारे सवाल पूछने जरूरी है। तो कौन से सवाल पूछे जाए इसका एक बड़ा डिटेल में साइंस हो सकता है कि व्हाट क्वेश्चंस यू शुड आस्क। ये भी एक बड़ा प्रश्न रहता है लोगों को कि भाई कस्टमर पैसा नहीं देगा, हमारे तो सब फुकट चंद है, ऐसे ही मुफ्त में सब समझना आते हैं। मैं मानता हूं कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जब हम ये बोलते हैं ना कि कस्टमर पैसा नहीं देगा, तो ये अपना थोड़ा एरोगेंस भी है और इग्नोरेंस भी है। एरोगेंस इस तरह से कि हम ये सोचते हैं कि कस्टमर की औकात नहीं है पैसे देने, दिस इज रॉन्ग, ये एरोगेंस स्टेटमेंट हो गया। इग्नोरेंस शायद हम इस तरह से है कि हमको मालूम नहीं है कि कस्टमर को कितनी जोर से वो चाहिए, ठीक है, शायद हमने उसको पूछा ही नहीं है, तो पूछ लेते हैं एक बार, बहुत ब्राइट चांस है कि कस्टमर वो ले लेगा। अच्छा, दूसरा एक इग्नोरेंस का पर्सपेक्टिव ये भी है कि मैं मानता हूं कि आम तौर पे ना लोग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना बेगैरत नहीं होते, या गुजराती में जिन्हें नगुणिया कहिए, तो ऐसे नहीं होते कि थैंकलेस पीपल रहते हैं, वैसे नहीं रहते। अगर मैं आपको कुछ मदद करता हूं तो आई हैव सीन मेनी पीपल आस्क मी आई वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम यू, ठीक है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। बहुत से लोग ने मुझे पूछा आई वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम यू, तो उसका कारण ये है कि मैंने उनको कभी कुछ किसी चीज से हेल्प किया था तो दे वांट टू कंपनसेट दैट। तो कस्टमर के चैलेंजेस समझे, उसको हेल्प करे, भले चाहे फ्री टूल से हेल्प किया हो लेकिन कस्टमर वॉन्ट्स टू रीपे दैट। तो बायर पावर को हैंडल करने के लिए प्रॉपर लीड जनरेशन और क्वालिफिकेशन का प्रोसेस होना जरूरी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जिनका क्वालिफिकेशन का प्रोसेस ठीक नहीं रहता है एंड दे टेंड टू फॉलो और परस्यू एवरीथिंग दैट कम्स टू देम। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लास्ट वाला पर्सपेक्टिव है कि कंपटीशन फ्रॉम एंट्रेंट। ये सब इंडस्ट्री में ऐसा रहता है कि नया आदमी आता है और वो सब हिला देता है क्योंकि नया आदमी को कोई खर्चा नहीं रहता है, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव में मैं समझता हूं हमें ये सोचना चाहिए कि आर वी एक्चुअली डिफरेंट और नॉट, हमें और वो जो नया लड़का आया है ना जो बैग लेके इधर उधर घूम रहा है कोट टाइप पहन के, उसमें और हमें फर्क क्या है, सच में फर्क है कि नहीं है, ठीक। फर्क कहां से आएगा ये समझने जैसा है। फर्क आएगा हमारी टीम और उसके स्किल सेट से, क्योंकि हमें तो क्या फर्क है, मतलब मेरा भाव सबसे नीचा है ये फर्क नहीं हो सकता आपका, क्योंकि ये फर्क को तो बीट करना बहुत आसान है, राइट। कोई आदमी थोड़े टाइम के लिए नुकसान सहन करके भी आपका वो फर्क निकाल सकता है, लेकिन आपका टीम और उसका स्किल सेट, आपके प्रोसेस और आपके सिस्टम, ये जो फर्क है ना ये दूसरा कोई जल्दी से कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। आपका कल्चर होगा वो दूसरा कोई कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। अब ये कल्चर प्रोसेस सिस्टम सबका बात हुआ ना, तो सब लोगों को दिमाग में वही वो एचआर का रामायण आता है कि आजकल कहाँ अच्छे लोग मिलते हैं, ठीक है। मैं वापस समझता हूं कि आजकल कहाँ अच्छे लोग मिलते हैं इस स्टेटमेंट में एरोगेंस भी है और इग्नोरेंस भी है। एरोगेंस कुछ इस तरह से है, क्या हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें बनाने के बाद अच्छे लोग ही बनाने छोड़ दिए, क्योंकि हमें तो अच्छा बनाया, वहां तो कसर नहीं छोड़ी उसने, हमें तो बहुत अच्छा बनाया। तो ये मुझे लगता है एरोगेंस है अपना, कि हम ये सोचते हैं कि आजकल अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं। इग्नोरेंस इस तरह से कि कोई और देश का आदमी बोल सकता है कि हमारे यहाँ अच्छे लोग नहीं होते या लोग नहीं मिलते, हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हम 130 करोड़ है हिंदुस्तान में रह के अगर हम आदमी ढूंढने में प्रॉब्लम करेंगे तो क्या ऑस्ट्रेलिया में जाके अपने को आदमी मिलेगा? कोई चांस नहीं है।
तकलीफ कहीं और है, आगे देखते हैं कि तकलीफ कहां है। एक मुद्दा ये भी आता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे टीम मेंबर्स है ना मोटिवेटेड नहीं है, दे आर नॉट इंस्पायर्ड, अंदर से आग नहीं लगता उनको। सवाल ये है कि क्या हम में आग है, क्या हम मोटिवेटेड है, ये प्रॉब्लम है। डू आई हैव ए विजन विच विल इंस्पायर समबडी? इफ आई डोंट हैव दैट विजन देन हाउ डू आई एक्सपेक्ट माई एम्प्लॉयज टू बी इंस्पायर्ड, हाउ डू आई एक्सपेक्ट माई एम्प्लॉयज टू बी मोटिवेटेड? ये तकलीफ है। मेरे विजन इतना बड़ा होना चाहिए कि वो विजन के ऊपर दाव लगाने का मन मेरे टीम मेंबर्स को करे, ये सोचने वाला मुद्दा है। अच्छा, एक ये आइडिया है जो हम लोग एनजीओ में बड़ा फॉलो करते हैं कि धंधे में दो बार पैसा कमाया जा सकता है, एक जब वो कंसेप्ट नया हो एकदम तब, या फिर वो कंसेप्ट एकदम पुराना हो जाए तब। बीच में होता ना तभी पैसा नहीं कमाया जाता, बीच में हम खाली दौड़ते रहते हैं। शांति से वक्त मिले तो इसके ऊपर सोच के देखना। अच्छा, एचआर के रिलेटेड एक नया और भी एक कंसेप्ट है जो हम लोग एनजीओ में बड़ा स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। तिमिर भाई ने शायद मेरे मुंह से बहुत बार वो सुना होगा कि नए धंधे के लिए पुराना आदमी चाहिए, पुराने धंधे में नया आदमी चलता है। आई विल रिपीट दैट वंस अगेन, नए धंधे के लिए पुराना आदमी चाहिए, पुराने धंधे के लिए नया आदमी चलता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, तो डोंट हायर न्यू पर्सन फॉर इट, आपके यहाँ के सबसे पुराने व्यक्ति को उसमें लगाओ। एक एग्जाम्पल है कि हम लोगों ने रिसेंटली ना वर्चुअल सेल्स मैनेजमेंट का सर्विस शुरू किया, तो वर्चुअल सेल्स मैनेजमेंट ये एनजीओ के लिए नया धंधा है, तो एनजीओ का सबसे पुराना व्यक्ति उसमें लगा हुआ है और बाकी के टीम मेंबर्स है वो भी हमने सबसे पुराने लोगों में से सिलेक्ट किया। तो ये खास सोचने वाला बात है कि हम नए धंधे में नए आदमी को लगाते हैं और वो फिर वो फेल हो जाता है। कुछ और मुद्दे हैं इसके, ये फिफ्थ पॉइंट के। एक तो हम एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी गलत लगा देते हैं, ट्रस्ट वर्सेस परफॉर्मेंस का इश्यू है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑल वॉन्ट कि हम हमारे यहाँ कल्चर अच्छा होना चाहिए, कल्चर अच्छा होना चाहिए। कभी ये सोचा है कि कोई ऐसा आदमी हो जो बहुत अच्छा सेल्स करता है लेकिन उसका स्वभाव ठीक नहीं है, वो अच्छा टीम प्लेयर नहीं है, कोई अच्छा इंजीनियर हो लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करता है, थोड़ा मन मर्जी से चलता है, क्या हम उसको निकालेंगे? नहीं, तो हम परफॉर्मेंस को ज्यादा वजन दे रहे हैं, हम ट्रस्ट को नहीं दे रहे, हम कल्चर को नहीं दे रहे। तो अंदर से जो इच्छा है ना कि कल्चर लाने का है लेकिन उसके लिए क्या छोड़ेंगे, तो बोले छोड़ेंगे कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। कल्चर लाने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको आपके सबसे अच्छे सेल्समैन को निकाल देना पड़े बिकॉज ही इज नॉट इन लाइन विद योर विजन और योर कंपनीज कल्चर, क्योंकि अगर आप उसको सहन करोगे तो जो बाकी के कम एफिशिएंट लोग होंगे उसको भी सहन करना पड़ेगा। और मैसेज टीम में ऐसे जाता है कि आप भले कुछ भी करो, सेल लेके आओ ना तो सेट कुछ नहीं बोलता, तो देन हाउ डू वी एक्सपेक्ट कल्चर टू कम? अच्छा, ये जो वाला बात है ना कि एम्प्लॉयज आर लाइक अवर चिल्ड्रन, तो ये मैं इमोशनली होके नहीं बोल रहा हूँ, बड़ा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है। जैसे बच्चों को आदत होती है कि हम उनको जो बोलते हैं ना वैसा वो नहीं करते, हम जैसा करते हैं ना वैसा वो करते हैं, तो अपने एम्प्लॉयज भी ऐसे ही होते हैं, हम जैसा करते हैं ना वैसा वो करते हैं। तो अगर मैं उनके सामने ही मेरे क्लाइंट्स को टोपी पहनाऊंगा तो उनको भी समझ में आएगा कि अच्छा टोपी पहनाना अच्छी बात है। मैं ही अगर लेट आता हूँ, मैं ही अगर मेरे प्रोमिसेस को ब्रेक करता हूँ, मैं ही अगर कम एफिशिएंटली काम करता हूँ, ठीक है, तो उनके लिए भी एग्जाम्पल है, अच्छा सर ऐसा करते हैं मतलब ये बराबर है, राइट? एंड देन व्हेन यू आर नॉट ऑन टाइम, व्हेन यू आर नॉट प्रॉपरली प्रोडक्टिव और प्रॉपरली एफिशिएंट और प्रॉपरली रेगुलर, तो आप अपने एम्प्लॉयज को कितना बोल सकते हैं इसके ऊपर एक लिमिटेशन आता है। तो एक कल्चर का ध्यान जो हमें वहीं से रखना पड़ेगा। सर लास्ट मिनट, हाँ बस खत्म ही हो गया। सो ये फाइनल पॉइंट है, वी कैन नॉट पे मोर बिकॉज वी डोंट हैव प्रोसेस। और यहाँ पे ना रमेश और सुरेश की स्टोरी समझते हैं। तो सुरेश और रमेश दोस्त थे और ये दोनों सेम पढ़ाई किए थे और सेम पढ़ाई करने के बाद सेम लेवल की बुद्धि है और दोनों को जॉब चाहिए था। तो सुरेश आ गया हमारी कंपनी में जहाँ पे अपने बड़े देसी तरीके से चलाते हैं, वी डोंट हैव एनी प्रोसेस सिस्टम वैसा। अच्छा, सुरेश रमेश दोनों को ऐसा इच्छा था कि 25,000 रुपया सैलरी मिलना चाहिए। तो सुरेश को हमने कैसे जैसे पता के 22,000 में सेटल किया कि भाई देख घर का बात है, तेरे को बेटे की तरह रखेंगे वगैरह वगैरह। और रमेश जिसको जिस कंपनी में जॉब मिला ना, वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड, बड़ा सिस्टमैटिक, प्रोसेस ओरिएंटेड, पॉलिसी वाला कंपनी था, तो उधर उन्होंने उसको 35,000 रुपया पगार दिया और ऊपर से उन्होंने उसको सिस्टम्स वगैरह देने के लिए बाकी के टूल्स दिए, उसको ट्रेनिंग वेनिंग कराया।
So probably that company is spending like 40,000 rupees on Ramesh and we are spending 22,000 on Suresh. तो सुरेश के पास से 22,000 खर्चा करके मुश्किल से 22,000 का काम हम निकलवाते हैं और सामने वाला कंपनी रमेश के ऊपर 40,000 खर्चा करके 80,000 रुपया निकलवाता है। अच्छा, ये तो अपना दोनों का बात हुआ कि भाई कंपनीज में क्या एडवांटेज है। सुरेश और रमेश आपस में मन में क्या सोच रहे हैं? सुरेश सोच रहा है कि देख, मेरा औकात तो ना 25,000 का है, ये तो कुछ नहीं मिला ना, तो इसकी जगह 22,000 में टिकाऊं, ज्यादा चूचा करेगा ना तो मैं छोड़ दूंगा। उसके सामने रमेश क्या सोचता है? देख भाई, अपना औकात तो 25,000 का, ये लोग अपने को 35 दे रहे हैं, तो जो बोलेगा ना वो चुपचाप करने का। तो हमें डिसाइड ये करना है कि हमें सुरेश का कंपनी बनना है कि रमेश का कंपनी बनना है। सो दैट वाज एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। एंड बिफोर आई एंड, अगर आपको आज का जो भी कुछ मैंने बताया वो अच्छा लगता है तो वी डू लॉट ऑफ अदर ट्रेनिंग्स ऑल्सो, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये सारे फ्री है, राइट? So, इसमें से कोई ट्रेनिंग का अभी जो मैंने किया वो ये वाला था, कॉम्पिटिशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। इट वॉज प्रोबेबली ए शॉर्ट ट्रेलर ऑफ व्हाट वी डू इन दिस 60 मिनट्स, और उसके और बहुत कुछ है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ यू। इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू।